हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टू कलर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा स्वेटर डिजाइन। फ्रेंड्स, ये 6 रो की डिजाइन है और बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है फ्रेंड्स, और इसे आप बच्चों के स्वेटर में डालेंगे ना, बहुत ही प्यारी सी डिजाइन लगती है, बहुत ही प्यारी है। केवल ये 4 रो के मल्टीपल बनेगा, प्लस 3 फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये 1st रो है, तो 1st फंदा हम स्लिप करते हैं, ऑप्शनली है, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो है 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। इसके बाद ये 1 फंदा स्लिप कर लेंगे। अब यही 4 फंदा आपको बार बार रिपीट करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये 1 फंदा स्लिप कर लेंगे। 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने हमारे पुराने वीडियो को ना बहुत ही प्यार दिया है और बहुत ही आपने बताया है कि बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो इसी तरह आप लोग इस डिजाइन को भी देखिएगा, बहुत ही प्यारी डिजाइन है। तो इस तरीके से आप जो है ये 1st रो कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 फंदे बुनाई करना है, 1 स्लिप करना है। देखिए, इस तरीके से आपको बना लेना है। यहाँ पर हमारे 1 फंदा एक्स्ट्रा है, तो ये साथ में हम इसे ऐसे बुन करके इसे हम देखिए इसे। तो देखिए, हमारा ये डिजाइन पैटर्न का 1st रो कंप्लीट हो गया है। अब ये 2nd रो है, बैक साइड। 1st फंदा हम स्लिप करते हैं, ऑप्शनली है। इसके बाद ये स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद देखिए, धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे करेंगे। धागा आगे लाएंगे, 1 स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। धागा आगे लाएंगे, 1 स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे लाएंगे, 1 स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनाई करेंगे। धागा आगे, 1 ये साइड का एड स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये डिजाइन पैटर्न का 2nd रो कंप्लीट हो गया है। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड, देखिए हमारा ये 2nd रो कंप्लीट हो गया। अब 3rd रो में अपना ये कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये साइड का एड स्टिच है, इसको हम स्लिप कर लेते हैं और इसके बाद 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये 3rd रो है फ्रेंड्स, और ये वाला फंदा आपको स्लिप कर लेना है, ठीक ना, ये बीच वाला फंदा स्लिप करना है। इसके बाद देखिए, ये 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए, 1 फंदा इसे हम स्लिप करेंगे, देखिए 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब लास्ट में हमारा 3 फंदा है ना, इसे देखिए, 1 2 3, इस तरीके से बुनाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा 3rd रो कंप्लीट हो गया है। 4rो बैक साइड, 1st फंदा स्लिप कर लेंगे और देखिए, धागा पीछे ले जाएंगे, ये 2 फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। धागा आगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे। अब देखिए, ये 3 फंदा हम इस तरीके से सीधा बुनाई करेंगे। धागा आगे लाएंगे, 1 स्लिप करेंगे, धागा पीछे। अब देखिए, ये 3 फंदा हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे, धागा आगे, 1 स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनाई करेंगे। धागा आगे, 1 स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनाई करेंगे। धागा आगे, 1 स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, और ये साइड का एड स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा देखिए 4 रो फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ डिजाइन पैटर्न का हमारा ये
फिफ्थ रो है, जैसा कि हमने कहा था ये सिक्स रो की डिजाइन है। तो देखिए ये अभी बेस कलर ही जो हमारा है इसी से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अब कलर अभी चेंज नहीं होगा, हम इससे बुन लेंगे। फिर इसके बाद ये थ्री फंदा हम सीधा बुनेंगे, देखिए 1 2 3, थ्री फंदा सीधा बुनेंगे, ये 1 फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। 1 ये साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ रो डिजाइन पैटर्न का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये सिक्स रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा भी स्लिप कर लेंगे धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, और ये धागा आगे ला करके साइड का एड स्टिच है इसको उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा डिजाइन पैटर्न का ये सिक्स रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ देखिए हम अपना कलर जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ जब कलर चेंज करेंगे ना तो यहाँ से देखिए डिजाइन पैटर्न आपको फर्स्ट रो की तरह ही रिपीट करना है। तो देखिए फर्स्ट फंदा ये स्लिप करेंगे, साइड का एड स्टिच है यहाँ रिपीट करके हम आपको बता दे रहे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये देखिए 3 फंदा सीधा बुनेंगे, सॉरी देखिए फर्स्ट फंदा हम ये स्लिप कर लेंगे और आपको देखिए यहाँ थोड़े से डिफरेंस रहेंगे क्योंकि आप जो है ना ये जो फंदा है यहाँ पर देखिए, तो देखिए हमें साइड का एड स्टिच हमने स्लिप किया, अब यहाँ 1 फंदा बुनेंगे, इस फंदे को हमें स्लिप करना है, इसके बाद हम ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 स्लिप करेंगे, ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा ना बीच में आना चाहिए, तो 1 2 3 देखिए फंदे हमारे चेंज हैं। फिर इसके बाद 1 फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, देखिए 1 स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे और ये 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमारा डिजाइन पैटर्न का ये 7th रो कंप्लीट हो गया है। 8th रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे, ये 2 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे, 1 स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे साइड का एड स्टिच है इसको उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स 8th रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये 9th रो है। अब यहाँ पर हमें जो है ये अपना बेस कलर ले लेना है। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, 1 ये साइड का एड स्टिच है इसको स्लिप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें ये 3 फंदा सीधा बुना, 1 2 3, अब देखिए 1 स्लिप कर लेंगे ये, अब यहाँ पर हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3,
वन स्लिप कर लेंगे, थ्री फंदा हम सीधा बुनेंगे, वन स्लिप कर लेंगे, थ्री फंदा हम सीधा बुनेंगे, वन स्लिप कर लेंगे, थ्री फंदा हम सीधा बुनेंगे, वन स्लिप करेंगे, वन ये साइड का एड स्टिच है, इसको बुन लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया है। एक टेंथ रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा भी स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा ये सीधा, धागा आगे, ये साइड का बीच वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये थ्री फंदा सीधा बुन लेंगे, वन साइड का एड स्टिच है, इसको उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये टेंथ रो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा ये ट्वेल्थ रो, सॉरी इलेवेंथ रो है राइट साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फंदा हमने स्लिप किया, अब यहाँ हमें क्या करना, देखिए ये स्लिप किया हुआ है ना, तो ये वन टू थ्री और ये वाला स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर वन फंदा हम सीधा बुनेंगे, अब देखिए इसे स्लिप कर लेंगे, अब ये थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री, बीच वाला स्लिप करेंगे, वन टू थ्री, ये स्लिप करेंगे, वन टू थ्री, वन स्लिप करेंगे, वन टू थ्री, वन स्लिप करेंगे, लास्ट में देखिए हमारे ये थ्री फंदा है, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स चार सिलाइयाँ आपको क्रीम कलर से बनानी है और दो सिलाइयाँ आपको जो अदर कलर आपका हमारा पिंक है तो इससे हमने बनाया है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, ये ट्वेल्थ रो है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये स्लिप क्या, ये थ्री पहले हम जो है ये टू फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, धागा आगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, वन फंदा सीधा और वन साइड का एड स्टिच। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये डिजाइन है, ये 12 रो की डिजाइन है। अब यही आपको 12 रो बार बार रिपीट करना है। तो आपको हम फर्स्ट रो रिपीट करके बता दे रहे हैं जिससे कि आप अगर बिगनर हैं तो बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने यहाँ पहली सिलाई बताई थी ना, वही आपको यहाँ स्टार्टिंग करनी है। देखिए हम फर्स्ट फंदा हमने कहा था हम स्लिप करते हैं, ऑप्शनली आप चाहे बुनाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो हमने बताया था ये आप थ्री फंदे सीधे बुने जाएंगे, वन फंदा स्लिप करेंगे, थ्री फंदा आपको सीधा बुन लेना है और वन फंदा स्लिप करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको जो है ये पहली सिलाई रिपीट करनी है। अब वन से लेके 12 रो आपको यही बनाते जाना है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से आपकी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन बनकर आएगी। केवल वैसे देखा जाए तो ये 6 रो की डिजाइन है, लेकिन ये तो ये जो है 6 रो में बनेगा डिजाइन, लेकिन ये 12 रो में कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है आपको फर्स्ट रो रिपीट करके बता दिया है, पहली सिलाई यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। देखिए बैक साइड है और इसमें ऊल भी ज़्यादा नहीं लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारा और यूनिक सा ये डिजाइन पैटर्न बनकर आएगा। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।